हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी क्लासेस लगातार आपको मिलती रहें और जो आपकी समस्या है SST में, GK में, GS में, वो सारी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक ना? तो याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मोहम्मडन या अरब इन्वेशन, भारत पर मुस्लिम या अरब आक्रमण। पहले भारत में मुस्लिम्स नहीं थे। हम देखते हैं कि 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी में भारत में मुस्लिम्स आने लगते हैं और धीरे 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 ये भारत में एक बड़ा सा अंपायर, एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि मोहम्मद साहब अरब से ही इस्लाम का प्रचार प्रसार करवाते हैं या करते हैं, और तेजी से ये धर्म पूरी दुनिया में फैल जाता है। और आज की डेट में अगर हम बात करें इस्लाम की, तो दुनिया में मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन कौन सा है? इस्लाम है। दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है इस्लाम। और अगर हम सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स की बात करें, अनुयायियों की बात करें कि किस धर्म में सबसे ज़्यादा लोग हैं, तो वो धर्म है ईसाई धर्म, क्रिश्चियन। दोनों प्रश्न आ चुके हैं। सबसे ज्यादा विश्व में किस धर्म के अनुयायी हैं, तो नंबर ऑफ फॉलोअर्स की बात करें तो वो होगा क्रिश्चियन। ईसाई धर्म में दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और अगर हम बात करें इस्लाम की, तो इस्लाम मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन में आता है, सबसे तेजी से फैलने वाले धर्म में आता है। तो ये कैसे फैला, कैसे इसका विस्तार हुआ हिंदुस्तान में? क्योंकि हिंदुस्तान में इस्लाम था ही नहीं, मुस्लिम्स थे ही नहीं। पूरे प्राचीन इतिहास में, पूरे एंशियन हिस्ट्री में हमें कहाँ मिलते हैं मुस्लिम्स? नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अब मेडिवल में, मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ते हैं हम लोग, मेडिवल हिस्ट्री या मेडिवल इंडिया, तो वहाँ पर हम लोग तेजी से मुस्लिम्स के बारे में पढ़ते हैं या उनका अराइवल हुआ, आगमन हुआ। तो जो मुस्लिम्स आए भारत में, वो स्पेशली दो रीजन को लेकर आए। उनके मन में दो मकसद था, एक तो क्या था, इस्लाम फैलाना, स्प्रेडिंग ऑफ इस्लाम, और दूसरा लूटना, धन लूटना, ओके, रॉबिंग मनी। तो बिकॉज इंडिया वॉज फेमस एज अ गोल्डन बर्ड, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये सुना होगा। लेकिन इतने मोहम्मडन इन्वेशन हुए, अटैक हुए, और रही सही कसर अंग्रेजों ने पूरी कर दी कि भारत जब आज़ाद हुआ तो सोने की चिड़िया में केवल चिड़िया बचा, पूरा गोल्डन बर्ड में केवल बर्ड बचा, और सोना, गोल्ड आउट ऑफ इंडिया जा चुका था। एक एक मुस्लिम अटैक कर जो आए, वो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर धन दौलत, हीरे जवाहरात, सोना चांदी लूट लूट कर ले गए। तो दोनों मकसद याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए व्हिच वाज मेन रीजन बिहाइंड मोहम्मडन इन्वेशन, तो निम्न में से कौन मुस्लिम आक्रमण के पीछे प्रमुख कारण था? ए रॉबिंग मनी, बी स्प्रेडिंग ऑफ इस्लाम, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो क्या होगा? बोथ ए एंड बी। तो याद रखना, ये दोनों ही ऑप्शन सही माने जाएंगे। अब बराबर आपसे पूछता है कि पहला मुस्लिम या पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? हु वाज फर्स्ट मोहम्मडन अटैकर, या हु वाज फर्स्ट अरब अटैकर? तो याद रखना, उसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। ये क्रम, ये सीक्वेंस आपको रट जाना है। सबसे नंबर एक पर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। नंबर दो पर महमूद गजनबी, और नंबर तीन पर मोहम्मद गोरी। मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी को कोई बुलाया नहीं भारत, ये दोनों अपने आप आए, अपने आप गए। लेकिन ये जो तीसरा अटैकर है ना, मोहम्मद गोरी, इसको भारत में बुलाया किसने? पता है किसी को? नहीं पता तो ध्यान देना, जयचंद, कन्नौज का राजा था जयचंद, इसने इनको बुलाया था। तो हम लोग देखते हैं कि अगल बगल हमारे आपस में, पड़ोस में, नातेदारी, रिश्तेदारी में कहाँ किसी का नाम होता है जयचंद? नहीं होता ना। जब लोग बहुत बड़ा, हम आप अपने परिवार के खिलाफ जाते हैं, तब कहते हैं शायद तुम जयचंद हो गए हो। जयचंद मतलब गद्दार। तो इनको किसने बुलाया? मोहम्मद गोरी को, ये पूछा गया प्रश्न है। जयचंद,
इन दोनों को किसने बुलाया? मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी को। तो ये अपने आप आए। ध्यान देना, गजनवी गजनी नहीं, गजनी तो एक जगह है, गजनी इज अ प्लेस ऑफ अफगानिस्तान एंड गजनवी वाज द पर्सन ऑफ अफगानिस्तान। गजनी कोई मूवी आई थी उसमें कोई गजनी करेक्टर एक पात्र था, यहाँ कोई पात्र नहीं है बल्कि गजनी क्या है, प्लेस है, और गजनवी एक आदमी है। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? क्रम याद रहेगा ना, क्रम याद रखना, सिक्वेंस से याद रखना। तो इन तीन अटैकर्स हैं, ये तीन मुस्लिम अटैकर हैं। आगे चल के यही मोहम्मद गोरी का दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी का गुलाम था, इसी का कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने भारत में दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश करी। ये वीडियो मैंने बना दिया है पहले ही, हमारे चैनल पर जाना, दिल्ली सल्तनत वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यहां से भी प्रश्न पूछता है कि हु वाज फाउंडर ऑफ मुस्लिम अंपायर इन इंडिया, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता? तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद बिन कासिम नहीं, महमूद गजनवी नहीं, बल्कि मोहम्मद गोरी था, है ना, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक। तो हम लोग देखते हैं, समझते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर अटैक किया, वेस्टर्न इंडिया या वेस्टर्न साइड से इंडिया पर अटैक किया। स्पेशली अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो जितने मुस्लिम आक्रमण हुए ना वो सब इस डायरेक्शन से हुए। ये हुआ आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट। तो किस सीमा से हुआ, उत्तर पश्चिम सीमा से हुआ भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ये देख पा रहे होंगे, है ना, ये इस डायरेक्शन से हुआ। और लगातार मुस्लिम्स आक्रमण अटैक्स इसी डायरेक्शन से होते गए। हाँ, और ये पूरा क्या है, लैंडलॉक एरिया है, है ना, स्थलीय सीमा है। और पहले पाकिस्तान भारत में ही था 712 में, है ना, बाद में पाकिस्तान बना, जानते होंगे आप। तो मोहम्मद बिन कासिम को इसके सुल्तान अल हज्जाज ने भेजा था, और खलीफा थे अरब के खलीफा वाहिद, उन्होंने कहा था कि जा तो रहे हो हिंदुस्तान, मेरी दुआएं मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ में हैं, लेकिन कंडीशन है हिंदुस्तान में जो रुपया मिलेगा, जो धन दौलत लूटोगे, उसका कुछ हिस्सा हमें भी भेजते रहना अरब। तो उसने कहा ठीक है जी, भेजते रहेंगे। और क्या कहा, हिंदुस्तान में जो कुंवारी लड़कियां मिलेंगी, वर्जिन लड़कियां, इनको भी कहाँ भेजते रहना, अरब हमारे यहाँ भेजते रहना। खलीफा एक धार्मिक पोस्ट है। हाँ, तो बाद में होगा खिलाफत आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको 1919 में, और तब जाके ये खिलाफत, ये जो खलीफा सिस्टम था ये खिलाफत आंदोलन के साथ ही ख़त्म हो जाएगा 1920 में, और तब गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। तो ये दोनों कंडीशंस जो बताई खलीफा ने, धर्मगुरु ने, उसको इसने एजिटिस करने का प्रयास किया, और यही कारण था जिसके कारण ये मारा भी गया, है ना। भारत में दो प्रथाएं थीं, सती प्रथा और जौहर प्रथा, सुना होगा आपने। एक थी सती सिस्टम, सती प्रथा, बहुत लोग बताते हैं कि सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने खत्म किया, गलत बताते हैं, याद रखना शिक्षा और चिकित्सा हमेशा अच्छी जगह लेनी चाहिए। अगर झोला छाप डॉक्टर से भैया आप इलाज करवाओगे तो पता चला कि पूरा आपका नर्वस सिस्टम ही खत्म कर देगा, और एजुकेशन हमेशा अच्छे लोगों से लेना चाहिए, है ना, और उन अच्छे टीचर्स में मैं भी शामिल हूँ। तो चिकित्सा जहाँ भी ले रहे हों हमें नहीं पता, लेकिन गारंटी है हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं इसलिए शिक्षा तो आप सही जगह ले रहे हैं, है ना, कोई शक नहीं होगा आपको। तो सती प्रथा, सती प्रथा क्या है, तो पति के मरने पर पत्नी को भी उसकी चिता के साथ जलना पड़ता था, पति मरा तो पत्नी को भी साथ में जलना पड़ेगा, ये क्या था, सती प्रथा था। और खुदा न खास्ता पहले पत्नी मरी तो पति जलेगा, नहीं पति नहीं जलेगा, पैट्रियार्की सोसाइटी थी ये, पितृसत्तात्मक परिवार था, है ना। तो सती प्रथा, और एक था जौहर प्रथा।
तो सती प्रथा किसने समाप्त किया? राजा राम मोहन राय ने नहीं समाप्त किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया 1829 में, 1829 में ये पूछा गया प्रश्न है। जितने पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको तो तुम माइंड में सेट कर लेना, है ना। और दूसरा था जौहर प्रथा, इसी जौहर प्रथा के कारण ये जनाब मारे गए। कौन मारा गया? मोहम्मद बिन कासिम। तो जौहर प्रथा और सती प्रथा, सती प्रथा इंडिविजुअल होती थी, पति मरा पत्नी को जलना पड़ेगा। जौहर प्रथा क्या था? ये ब्रॉड लेवल पे होता था, बड़े लेवल पे। हमारा राजा लड़ाई पर गया और मारा गया, इससे पहले कि सामने वाला राजा, सामने वाली सेना हमारे किले में इंटर करे, हमारे कोर्ट में इंटर करे, तो हमारे यहाँ की जो औरतें होंगी, रानियाँ होंगी, लड़कियाँ होंगी, वो क्या करेंगी? सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने डिग्निटी को बचाने के लिए, अपनी इज्जत और अपने सम्मान को बचाने के लिए बड़ी सी चिता लगाकर वन बाय वन जंप मार जाएंगी, कूद जाएंगी। देखा होगा पद्मावती मूवी में आपने, अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए ही रानी पद्मावती ने जौहर धारण कर लिया था। इट वॉज बिगेस्ट जौहर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा जौहर है, ये भी प्रश्न पूछा गया है रानी पद्मावती के द्वारा चित्तौड़ में, जो उन्होंने जौहर धारण किया था 1303 में, 1303 में। तो क्या था? मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु इसी जौहर प्रथा के कारण होगी। तो जो सती प्रथा थी वो तो पूरे हिंदुओं में थी, जौहर प्रथा स्पेशली राजाओं महाराजाओं में थी, हाँ इनके यहाँ ये परंपरा थी। और यही जौहर प्रथा के कारण मोहम्मद बिन कासिम मारा गया, नया नया बंदा था, समझ नहीं पाया और फिर गया काम से खत्म। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ अटैक किया, किस स्टेट पर अटैक किया, कब अटैक किया, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो पहला आक्रमण था वो कब हुआ? 712 एडी में, 712 ईस्वी में इसने भारत पर अटैक किया। और अगर भारत ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा? स्टेट होगा, पेशावर, हाँ बलूचिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान तो नहीं होगा, बलूचिस्तान, पेशावर, लाहौर, दिल्ली, हाँ तो कहाँ इसने अटैक किया? राजस्थान, गुजरात। तो इसने अटैक किया सिंध पर, इसने कहाँ अटैक किया? सिंध प्रांत पर, याद रखना। तो अगर पूछा जाए मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण भारत के किस प्रांत पर हुआ, तो हिज फर्स्ट अटैक वाज हेल्ड ऑन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन क्या होगा? सिंध, सिंध प्रांत पर हुआ। अगर सिंध स्टेट का नाम नहीं होगा तब तो भारत हो जाएगा ओबियसली। कब अटैक किया? 712 एडी में, 712 ईस्वी में। दो प्रश्न हो गया क्लियर, एक तो कब अटैक हुआ 712 में, दूसरा कहाँ अटैक हुआ, सिंध पर या भारत पर, और ये अटैकर्स में किस नंबर पर था, तो पहले नंबर पर था। तो मोहम्मद बिन कासिम पहला अरब या पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, कब अटैक किया 712 में, कहाँ अटैक किया, सिंध पर अटैक किया, और इसने क्या लागू किया, एक नया कर लागू किया, इसको बोलते थे जजिया कर। क्या बोलते थे? जजिया कर, इंग्लिश में बोलते हैं जजिया कर को जजिया टैक्स या जजिया टैक्स। क्या था ये जजिया कर, जजिया टैक्स, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले जजिया कर भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने ही इम्प्लीमेंट किया था, लागू किया था, लेना शुरू किया था। जजिया वाज अ रिलीजियस टैक्स, जजिया एक धार्मिक कर था। इट वॉज टेकन बाई नॉन मुस्लिम्स बिहाफ ऑफ देयर सेफ्टी, बिहाफ ऑफ देयर सिक्योरिटी। जजिया कर एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से उनकी सुरक्षा के बदले वसूल किया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम का कहना था मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है केवल मुस्लिम्स की रक्षा करना, और अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो मैं फ्री में उसकी रक्षा ना करूँगा, उसको बदले में क्या देना पड़ेगा, जजिया देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो जो बनिया किस्म के आदमी थे ना, बनिया कोई जाति नहीं है ध्यान देना, नहीं कोई बनिया होगा बुरा मान जाए और कमेंट में गाली वाले देने लगे। तो क्या हुआ, जो बनिया किस्म के आदमी थे, जो कंजूस टाइप के आदमी थे, उन्होंने जजिया कर से बचने के लिए क्या स्वीकार कर लिया, इस्लाम ज्वाइन कर लिया।
और जो थोड़ा सा रिलीजियस कट्टर आदमी थे, फेनेटिक आदमी, उन्होंने इस्लाम नहीं ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने जजिया कर देना स्वीकार किया। तो भैया अगर मुसलमान बने आप, इस्लाम ज्वाइन किया, तो इस्लाम फैल रहा है, ये टारगेट यही था अटैकर्स का। और अगर आप मुसलमान नहीं बने और सुरक्षा के बदले टैक्स दे रहे हो, तो देखो धन लूट रहा नहीं, धन जा रहा ना उनके पास, धन लूटा जा रहा, हुआ के लिए। तो दोनों मेंटलिटी इनकी, जो इनका जो मकसद था, वो दोनों मकसद इनका पूरा हो रहा। तो ये प्रश्न है, पहला मुस्लिम या पहला अरब आक्रमणकारी, कहाँ अटैक किया, सिंध पर, कब अटैक किया, 712 में, और सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने। क्या था जजिया कर, ये मैंने बता दिया। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में लगातार। तो मोहम्मद बिन कासिम अभी लंबा शासन करता, मात्र 19-20 साल का था बंदा ये, लेकिन लंबा शासन नहीं कर पाया। कारण कि इसने सिंध के राजा दाहिर को हराया। सिंध का राजा था कौन? दाहिर। तो जब इसने राजा दाहिर को हराया, मार दिया, तो राजा दाहिर की बीबी ने, रानी ने, जौहर धारण करने से पहले अपनी दो नाबालिग लड़कियों, परमाल देवी और सूरज देवी को किले के गुप्त द्वार से, सीक्रेट गेट से बाहर निकाल दिया। लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई, परमाल देवी, सूरज देवी और मोहम्मद बिन कासिम की सेना जब तक आ गई, पकड़ ली गई। एक की लड़की की उम्र 11 साल, एक की उम्र 9 साल। जब इन नाबालिग लड़कियों को खलीफा के आदेशानुसार अरब भेजा गया, तो जब ये खलीफा के सामने पेश हुई, तो भेजा तो था मोहम्मद बिन कासिम को वाहिद ने, लेकिन इस बीच में साल भर में वाहिद गया मर। वाहिद के बाद नया खलीफा बना, उसका नाम था सुलेमान। तो जब सुलेमान के सामने इन दोनों लड़कियों को पेश किया गया, तो इन लड़कियों ने कहा, साहब गुस्ताखी माफ हो, एक्सक्यूज मी, या जो भी जैसे कहा हो, साहब मेरी वर्जिनिटी, मेरी पवित्रता हिंदुस्तान में ही आपके सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम ने समाप्त कर दी है, और तब मुझे आपके पास भेजा है। ये सुनकर सुलेमान, जो नया नया खलीफा बना था, ज़्यादा बुद्धिमान था नहीं, एक्सपीरियंस अनुभव था नहीं, और इतने में वो बड़ा गुस्सा हो गया, और उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को ताजे बैल की खाल में सिल दिया जाए। गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी देशों में ऐसी सजा दी जाती मुस्लिम देशों में। तो क्या सजा दी सुलेमान ने, कि अपने सेना को जाओ मोहम्मद बिन कासिम को ताजे बैल, एक बैल मारो, बैल की खाल में, उसके कब्र, उसके जो लेयर है, चमड़ी है, उसमें उसकी खाल में उसको सिल दो, और ले आओ हिंदुस्तान। कहाँ? हिंदुस्तान से अरब। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ वाहिद सुलेमान खलीफा, उसकी सेना ने ऐसे किया मोहम्मद बिन कासिम के साथ। अब मोहम्मद बिन कासिम कोई बाबा रामदेव तो थे नहीं कि 10 दिन तक सांस रोके रहेंगे। हिंदुस्तान से जब ये गए कहाँ? अरब, तो भरे दरबार में दरबार लगाया पूरा सुलेमान ने, और सबके सामने कहा, देखो मेरे आदेश को तोड़ा, एवॉइड किया, उसका उल्लंघन किया मोहम्मद बिन कासिम ने, और मैंने इसको ऐसी सजा दी। अब लड़कियों ने भरे दरबार में क्या कहा, वो भी वहीं प्रेजेंट थी, उपस्थित थी, कि साहब हमने आपको धोखा दिया, हमने आपके संग चीटिंग करी, हमने अपने घर परिवार का, फैमिली का बदला ले लिया, और हमारी पवित्रता, वर्जिनिटी बरकरार है। ये सुनकर तो होश उड़ गए पूरे, किसके? सुलेमान के, खलीफा के। उसने अपने हकीमों फकीरों को बुलाया कि साहब जिंदा करो मोहम्मद बिन कासिम को। उसने कहा, साहब हमारे बस की बात नहीं है, 4 दिन हो गया इसको मरे, 6 दिन हो गया मरे। तो ये सुनकर सुलेमान बड़ा क्रोधित हुआ, और भावनाएं समझी उस पर क्या बीत रही होंगी, भरे दरबार में इतनी बड़ी इंसल्ट करी दो बच्चियों ने। फिर सुलेमान ने अपनी सेना को आदेश दिया, इन दोनों लड़कियों को रेगिस्तान में ले जाया जाए, और दोपहर के वक्त में, दोपहर के समय ऊँट के पैरों में बांध दिया जाए, और तब तक घसीटा जाए जब तक दोनों बच्चियां मर ना जाएं। फिर ऐसी सजा मिली, लेकिन इतिहास में परामाल देवी और सूरज देवी का नाम अमर हो गया, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो ये क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। अगर ये मोबाइल का जमाना होता, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक आज चलता, मेल, जीमेल, ये सब चलते, इट मे बी पॉसिबल, क्वेरी क्लियर हो जाती व्हाट्सएप या फोन वगैरह से ही। लेकिन मोबाइल का जमाना ना होने के कारण, फोन का जमाना ना होने के कारण, बेचारा मोहम्मद बिन कासिम मारा गया।
बहुत योग्य था, लेकिन साल भर के अंदर ही इसका काम तमाम हो गया। अब लगभग 300 सालों तक कोई दूसरा अटैकर नहीं आएगा, मुस्लिम अटैकर आएगा तो कौन आएगा? महमूद गजनवी, है ना। और इसने तो क्या किया, कई अटैक किए भारत पर। कितने अटैक किए? ही अटैक ऑन इंडिया 17 times, 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। ऑल टाइम्स ही गॉट विक्ट्री, हर बार इसको विजय मिली, कोई भी राजा भारत में हरा ना पाया इसको। ऐसा नहीं कि भारत में वीरों की कमी थी, वीर बहादुर लोग होते नहीं थे हिंदुस्तान में, होते थे लेकिन गद्दारों की कमी नहीं थी। हमारे आपके बीच में लड़ाई हुई, हमने थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर लिया, भैया आओ और इनका पैर हाथ तोड़ दो। आया, इनको भी पैर हाथ तोड़ा, बाद में मुझे मेरा भी पैर हाथ तोड़ दिया। तो ये था। तो आगे की क्लास में हम लोग और अटैकर महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार आप सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, आप सारे लोग, ठीक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना है, अपने दोस्त यार में इस लिंक को शेयर भी करना है, हाँ, कि एक अच्छा मास्टर आया है और बढ़िया पढ़ा रहा है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद, सब्बा खैर।